शिक्षा मंडल द्वारा कोरोना काल को देखते हुए 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं लिए जाने का निर्णय किया गया है, जिसमें सभी विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका घर पर ही लिखकर जमा करने का फैसला लिया गया है, ताकि परीक्षा देने विद्यार्थियों को स्कूलों तक न आना पड़े। उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए सभी विद्यार्थियों को 5 दिन का समय दिया गया है। तो वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के इस फैसले को निजी स्कूलों द्वारा गलत बताया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि गणित और साइंस समेत तमाम तकनीकी विषयों की परीक्षा ऑफलाइन कराई जाए, ताकि विद्यार्थियों को उनके मेहनत के अनुसार अंक मिल सके, जिस पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फैसले को नहीं बदलने की बात कही है। अभी जो कोरोना की परिस्थितियां हैं, अभी भी राज्य में अत्यधिक प्रकरण आ रहे हैं, स्थिति सुधरी नहीं है और ये कब तक चलेगा कहा नहीं जा सकता। इसलिए अगर ऑफलाइन मोड में छात्रों को स्कूलों में बुलाकर अगर परीक्षा आयोजित की जाती है तो इस कोरोना के संक्रमण के और बढ़ने के और फैलने की संभावना बढ़ जाएंगी और किसी भी स्थिति में छात्रों के जीवन से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और ऑनलाइन परीक्षा का जहां तक सवाल है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं जो दूरस्थ प्लेस हैं, जो इंटीरियर में गांव हैं, वहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वहां पे जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों के पास में लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, स्मार्टफोन हो, जिससे वो इंटरनेट से जुड़ सके। तो ऐसी स्थिति में